दोस्तों मेरा नाम शाहरुख और आप देख रहे हैं सर के टेक्निकल। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे बैटरी चार्जिंग एडमिनिस्ट्रेशन फोटो एप्लीकेशन के बारे में। गाइस एप्लीकेशन होता क्या और किस प्रकार से काम करता है, इस वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों ये एनिमेशन एप्लीकेशन है जिसके अंदर अपने जो फ़ोन चार्ज होता है, बैटरी चार्ज होती है, तो उसके ऊपर अगर अपना फोटो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर आपको बताऊँगा। तो इस एप्लीकेशन की मदद से अपने फोटो स्क्रीन जो चार्ज होता है उसके अंदर अपने परसेंटेज या फिर इसके अंदर बलून ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे जैसे अपने फ़ोन अपन चार्ज करते हैं तो अपने जो परसेंटेज दिखाता है तो उसके अंदर ऊपर अपने फोटो भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों अपन। तो कैसे करेंगे इस वीडियो में बताऊँगा मैं आपको। तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन को कर लेना ओपन, और एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस अपना सामने ओपन होकर आएगा। तो ये इसको सबको क्रैश कर लेता हूँ मैं आपको, डबल से बताता हूँ। तो कुछ सेटिंग मांगेगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको आना है तो यहाँ से ओपन कर लेना है। तो टॉप टू स्टार्ट पे टच कर लेना है दोस्तों। टॉप टू स्टार्ट पे टच करने के बाद यहाँ पे दो सेटिंग दी हुई रहेंगे दोस्तों। तो एक सेटिंग के ऊपर नीचे वाले सेटिंग पे टच कर लेना दोस्तों और इसको कर देना ओपन। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ से अपने को फोटो सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपको फोटोस होंगे इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। और यहाँ पर राइट का ऑप्शन दिखेगा तो राइट का ऑप्शन पर टच करने के बाद राइट कर देना यहाँ पर। तो राइट करने के बाद यहाँ पर आ जाना है आपको और ऐड आएंगे तो ऐड को कर लेना है क्रॉस, जो कि आप एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो ऐड को यहाँ से अपने को कर लेना है क्रॉस। तो ऐड को क्रॉस करने के बाद देख सकते हैं आपकी यहाँ से अभी अपनी ऐड हो चुका है। तो डायरेक्टली इसको बैक आ जाना है दोस्तों। तो बैक आने के बाद यहाँ पे दोस्तों अपने को चार्जिंग बैकअप है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि बैटरी पिकअप जो आपका फास्ट हो चुका है। ये इसके अंदर यहाँ से आपको दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपनी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से चल रहा है। अगर आप भी अपने बच्चे का फोटो इस पर ऐड करना चाहते हैं तो इस पर टॉप टू स्टार्ट पर टच कर लेना। टॉप टू स्टार्ट पर आके फिर से वही सेटिंग को ऑन ऑफ कर लेना। ऑन ऑफ करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों, और आपका जो भी फोटोज़ होगा वो फोटोज़ को यहाँ पे टच कर लेना। और टच करने के बाद जो क्रॉप ऑप्शन रहेगा, जो आपका सिलेक्ट साइज़ रहेगा, तो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। सिलेक्ट करने के बाद जो अपनी ये बलून रेज रहेंगी इसको अगर अपने को फास्ट करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फुल फास्ट या स्लो मोशन में, तो ये करना है तो यहाँ से राइट कर देना है दोस्तों। और राइट करने के बाद ये ऐड को क्रॉस कर लेना है दोस्तों। तो ऐड जब चलेंगे दोस्तों तो ऐड को क्रॉस करने के बाद दोस्तों अपने ऐड को यहां से रिमूव कर देना है। ऐड रिमूव होने के बाद दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से चलता रहेगा, और जो आप देख सकते हैं कि यहां से इस प्रकार से चलता रहेगा दोस्तों। तो इसको यहां से अगर आपको देखना है कि अब अपने फ़ोन पर किसी का सिलेक्ट हुआ है या कैसे सेव हुआ है, तो आपको अपने फ़ोन का चार्जर लेना और फ़ोन के चार्जर से इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेना अपने चार्जिंग बैकअप को। चार्जिंग बैकअप जैसा खींचूँगा आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर ये इस प्रकार से चल रहा है दोस्तों। तो बहुत इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के अपन फोटो भी लगा सकते हैं या फिर इसके अंदर कोई भी आपको जो चाहिए वो चीज़ लगा सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, तो बहुत सारी चीज़ों में से कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं दोस्तों अपन। तो कुछ बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, बहुत ही एप्लीकेशन अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों, और वीडियो बहुत ही अमेजिंग इसके अंदर चलता है। तो कुछ इस प्रकार से इसके अंदर दोस्तों वीडियो ऐड क्रॉस होता है। तो इसके अंदर दोस्तों बहुत ही यहाँ से आपको जो मिल जाएगा, जो कि यहाँ से बैटरी का भी यहाँ से अपने को फोटो सेलेक्ट हो जाएगा, जो परसेंटेज लगाना है तो परसेंटेज भी लगा सकते हैं दोस्तों इस एप्लीकेशन। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।